अगर किसी ने ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, आज जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये वीडियो अगर किसी ने पहले अगर किसी टॉपर ने या फिर किसी भी इंसान ने, कोई फेलियर इंसान ने भी अगर बना दी होती ना ये वीडियो, तो मुझे ना ये जो 3 साल लगे हैं मुझे एम जरिए पहुंचने में, ठीक है, तो वो मुझे 3 साल नहीं लगते मुझे, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरे सामने भी ना आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी टॉपर की, टॉपर को फॉलो करने लगते हैं कि यार ये जो दीदी हैं भैया हैं, ठीक है, तो इन्होंने फिजिक्स को कब पढ़ा था, ठीक है, और वही हम करेंगे, फिजिक्स को कब पढ़ा था, नोट्स कैसे बनाए थे, SVB पढ़ी थी फिर नहीं पढ़ी थी, ठीक है, खाना खाने से पहले इन्होंने पानी पिया था नहीं पिया था, खाना कब खाया था, और ये रात में पढ़ते थे या दिन में पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम नोटिस करने लगते हैं और उनको जो है वो फॉलो करने लगते हैं, स्टार्ट कर जाते हैं। अगर आप किसी इंसान को कैमरे पर देखकर अगर आप उसको जज करते हैं कि ये इंसान ठीक है, ठीक है, तो आप जना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर से हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू एम्स पैन। तो जो भी है, जब भी वीडियो देख रहा है, उन सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जैसा भी आप जिसने भी कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि मेरे साथ में जो 2021 में जो स्कैम्स हुए, ठीक है, और जो सेकेंड वाला स्कैम था वो तो यार भाई बहुत मतलब अनबिलीवेबल जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ही अपन बात करेंगे। और क्योंकि मुझे ना कुछ दिन से मुझे ये बातें जो हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा, तो वो मेरे को ना डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको अभी शेयर करूँगा, ठीक है, और तब जाके वो मेरी जो बातें हैं वो थोड़ी डाइजेस्ट होंगी, थोड़ी शांति मिलेगी मुझे। इनिशियली मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, वाई आई लेफ्ट एम्स दिल्ली, तो आप जो ये वाली वीडियो है उसको थोड़ा कम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले उस वीडियो को देख लो, ठीक है, और उसके बाद ये वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब 2021 में जो दुनिया है, ठीक है, और जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम सब जब कोविड से मतलब लड़ रहे थे, परेशान थे, कोविड और टेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों से परेशान थे, तो उस टाइम पर मैं कोविड, टेंशन और ये जो स्कैम्स वगैरह थे, ठीक है, उनसे परेशान था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग या फिर मैं बात करूँ स्टडी मटेरियल, नोट्स, DPT, टेस्ट सीरीज वगैरह, इन सभी को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी के लिए मैंने सोचा हुआ था कि मैं उनको ये सारी चीज़ें जो है वो मैं उनको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। अगर हम कोई भी टेस्ट सीरीज की बात करें, तो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की मैं अगर बात करूँ टेस्ट सीरीज की, तो उसका जो प्राइस होता है वो मिनिमम 2,000, 2,500, 3,000 इसमें होता है, ठीक है, जो कि एक मिडिल क्लास वाला बच्चा जो है वो उसको एफर्ट नहीं कर पाता, ठीक है भाई। मैं समझता हूँ उस चीज़ को कि 100 रुपये की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो फेस की हुई हैं, तो उन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के, दिमाग में रखते हुए मैं आप सभी से अभी इस टाइम पर बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जैसे मैंने 3 महीने अपना काम किया था अपनी कोचिंग में, ठीक है, जिससे मुझे जो सैलरी मिली थी, उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ डेवलपर्स को रखा था जो मेरे लिए वेबसाइट बना सके, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को मैं स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मैं प्रोवाइड कर सकूं फ्री में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो को-फाउंडर था उसने और जो मतलब डेवलपर थे, 2 से 3 डेवलपर मैंने हायर किए थे, तो उन्होंने साथ में मिलकर जो है वो वेबसाइट में हैकिंग का इशू लेकर आए और उसमें डाटा लीक वाला जो सिस्टम है वो करवाया सब कुछ, ठीक है। तो बाकी यार मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरा कुछ लाइक IIT तो बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं तो वेबसाइट के बारे में बिल्कुल कुछ जानता नहीं था, ठीक है, तो मैं तो पूरा ट्रस्ट लेकर चल रहा था अपना जो मेरा को-फाउंडर था उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन मेरे साथ सारी चीज़ें हो गई ये, ठीक है। तो उस टाइम पर मेरी जो फेस थी, तो मेरी फेस डिप्रेशन वाली हो चुकी थी, और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जाना था कि यार हाँ डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है। तो उस टाइम पर मुझे मतलब बहुत अच्छा खासा लॉस हो चुका था, कि मतलब कि जो मैंने 3 महीने में कमाया था अपनी कोचिंग से, तो उसका जो 90% पार्ट था वो मैंने इसमें पूरा सा मतलब पूरा मेरे डूब चुके थे, 90% जो मेरा पैसा था इसमें मेरा पूरा डूब चुका था। मैं एक साइड सोच रहा था कि यार मैंने एम्स दिल्ली क्यों छोड़ा, ठीक है, अब मैं अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को मैं अब क्या आंसर दूंगा कि यार जिस रीज़न को बताकर मैंने एम्स दिल्ली छोड़ा था, अब वही रीज़न जो है वो मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। उसके बाद फैमिली के सपोर्ट से मैंने काम जो है वो मैंने फिर से स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने नए डेवलपर्स हायर किए फिर से, और मतलब मुझे इसमें अच्छा खासा मुझे फिर से इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, ठीक है, तो मैंने कुछ जो हेल्प जो है मैंने अपने पापा से ली, और उसके बाद मैंने काम कंटिन्यू करवाया, ठीक है। तो इसमें मुझे 2 से 3 महीने लगने थे, तो जब मेरे पास ये 2 से 3 महीने का टाइम था वेबसाइट कंप्लीट होने के लिए, तो मैंने सोचा कि यार YouTube भी जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू भी हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि मैंने ना जो एम्स पायनियर चैनल है वो ओपन किया, जो अभी आप इस टाइम पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो मेरा सेकेंड जो स्कैम है, ठीक है, जो मेरे साथ में हुआ,
वो स्टार्ट हो रहा है। मुझे पता था कि हम सभी जो है वो टॉपर्स को देखना पसंद करते हैं, ठीक है, टॉपर्स का मोटिवेशन हो गया, टॉपर्स की स्ट्रेटजी हो गया, ये सब देखना पसंद करते हैं। ये कोई एक नीट से नीट की पर्टिकुलर बात नहीं है, ये SSC UPSC ठीक है IIT ये इन सभी में कॉमन है, ठीक है। हम टॉपर्स को ही देखना पसंद करते हैं। फेलियर से तो अगर हम 20 सेकेंड भी अगर हम बात करना चाहें ना तो उसमें भी हम अपना टाइम वेस्ट समझते हैं, ठीक है। अगर टॉपर की अगर मोटिवेशन अगर हम मैं बात करूँ टॉप मोटिवेशन हो गया या फिर स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है, उसको हम देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सक्सेस के भूखे हैं। तो फाइनली मैं अपने चैनल पर एक टॉपर को लेकर आया, और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने क्या किया, मैंने पे किया उसको टॉपर को, और मैंने इतना मैंने पे किया था उसको कि लाइक अगर आप बाहर एक जॉब ढूंढने जाएंगे ना, अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो एक अच्छी जॉब जो है वो उतना मंथली पे स्केल नहीं देगा जितना कि मैं जो है वो मंथली प्रोवाइड कर रहा था। तो जैसे धीरे धीरे जो है वो डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुई और मुझे बताया जाने लगा कि लाइक मेरी इंपॉर्टेंस मेरे जो बैचमेट्स हैं जिनको वो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस टाइम पर जब एम्स में थे तो वो ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरे बैचमेट्स को इतना पे कर रहे हैं तो मेरी इंपॉर्टेंस तो मेरे बैचमेट्स से कुछ ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि लाइक डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो लाइक मैंने सिर्फ इतना बोला कि लाइक यार वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसका कंपैरिजन मैं अपने साथ कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने घर से थोड़ी ना मतलब उतना इतना सारा पैसा जो है वो मैं एक महीने में दे दूंगा। मैं इतना कर सकता हूँ कि अगले महीने से जो है वो मैं कुछ बढ़ाकर जो है वो पे कर दूंगा। मैं इवन सभी अच्छे से जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, लाइक जो एक प्रॉपर जो बॉन्ड होता है ना, ठीक है, वो सब मेरे पास रेडी था, ठीक है। लेकिन क्या होता कि मुझे पता था कि लाइक ये कुछ ना कुछ तो होगा, तो मेरे साथ मैं बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि यार जिस बंदे का इंटेंशन अगर सही नहीं है, ठीक है, तो उसके साथ में काम करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो अगर किसी को लगता है कि यार मैं किसी और जगह जाकर या फिर अपना खुद का खोलकर अगर मैं पैसा कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, तो मैंने बोला कि यार ठीक है यार एक काम करते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। क्योंकि पैसे को अगर कोई इंपॉर्टेंस देता है अपनी लाइफ में, तो मैं आपको पहले बोल चुका था कि लाइफ में अगर कोई पैसे का इंपॉर्टेंस देता है तो उससे बड़ा बेवकूफ जो है वो कोई इंसान नहीं है। उस इंसान की मेंटलिटी मुझे तब पता पड़ गई थी, जैसे आपको पता होगा कि एम्स दिल्ली में जब ये रामलीला वाला इशू हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पर ये दो लड़के थे, ठीक है, नितिन सिंगर और शुएब अफ्ताब, तो इनके ऊपर ना लाइक बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर था, ठीक है। तो उस टाइम पर जब ये माहौल इतना ज़्यादा गर्म था, तो उस टाइम पर लाइक मतलब दूसरों से कॉल कर मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना चीज़ों को, लाइक ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अब ये और कर ले, तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे पता पड़ गई थी कि ये इंसान जो है वो किसी मतलब किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता। अगर आप किसी इंसान को कैमरे पर देखकर अगर आप उसको जज करते हैं कि ये इंसान ठीक है, ठीक है, तो आप जनाब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फिर से। क्योंकि अगर आप ना कैमरे पर देखकर किसी भी इंसान को मतलब बता नहीं सकते कि इंसान सही है या फिर गलत है, ठीक है, तो उसके पीछे जो है वो चेहरा कुछ और हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी इंसान को पहचानने के लिए, वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए अगर आपने अपनी जो इमोशंस हैं उसको अगर आप यूज़ करेंगे, अगर आप सामने वाले लड़के या फिर लड़की की अगर आप फेस वैल्यू देखकर या फिर उसका बैकग्राउंड देखकर उसको पहचानेंगे, तो आप जनाब बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, ठीक है। और यही गलती जो है वो आपके साथ में स्कैम बन सकती है। तो मैंने वही सोचा यार इतने सारे स्कैम जो हो चुके हैं मेरे साथ में, अब ये एक और स्कैम हो जाएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यार मुझे जब खुद अपनों ने धोखे दिए थे तो मेरे लिए कोई ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था लाइफ में। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैसे को देखकर जो है वो आदमी जो है अपना रंग बदलता है, ठीक है, इसको मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, पैसे को देखकर आदमी जो है अपना रंग बदलता है, तो ये कहावत जो है वो बिल्कुल ठीक ही है। एक एग्जांपल दूं कि जब कोई लाइक बस जा रही हो ना, उस बस के नीचे अगर कोई कीड़ा गुजर रहा हो ना, तो वो कीड़ा ये समझ लेता है कि यार इस बस को जो है वो मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ उस चीज़ को, और वो उसकी जो है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो मेरा जो ये सपना था ना कि लाइक मैं सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते कोचिंग वगैरह को, स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह को, टेस्ट सीरीज को, ठीक है, तो मेरा जो सपना था ना ये, तो ये मैंने किसी टॉपर या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंधे पर रखकर मैंने सपना नहीं देखा था, ये मैंने सपना देखा था अपने दम पर देखा था। एक बात और बोलूँगा आप सभी से कि जो इंसान दूसरों को उठा सकता है, ठीक है, दूसरों को ज़मीन से उठा सकता है, ठीक है, और वो उसको बता सकता है कि कैसे बोला जाता है, कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, ठीक है, और वो क्या कर सकता है, अगर वो इतना बता सकता है तो वो खुद उठना भी जान सकता है। आजकल पता है हम लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, हम लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि हम टॉपर्स का सक्सेस वाला मेडल देखते हैं और फेलियर का लूजर वाला मेडल देखते हैं। तो फेलियर को तो हम अपने लाइक सामने से हटा ही देते हैं, ठीक है, और टॉपर को फॉलो करने लगते हैं कि यार ये जो दीदी हैं भैया हैं
ठीक है, तो इन्होंने फिजिक्स को कब पढ़ा था, ठीक है, और वही हम करेंगे, फिजिक्स को कब पढ़ा था, नोट्स कैसे बनाए थे, एसवी पढ़ी थी या फिर नहीं पढ़ी थी, ठीक है, खाना खाने से पहले इन्होंने पानी पिया था नहीं पिया था, खाना कब खाया था, और ये रात में पढ़ते थे या दिन में पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम नोटिस करने लगते हैं और उनको जो है वो फॉलो करने लगते हैं, स्टार्ट कर जाते हैं। और ये नहीं पता होता है कि हर एक स्टूडेंट की, हर एक टॉपर्स की जो है वो स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। तो जैसे ही उस टॉपर ने मेरा चैनल लेफ्ट किया तो सोच चुका होगा वो कि लाइक अब ये चैनल कैसे चलेगा, अब देखते हैं। तो उसके बाद क्या है कि मैंने दो तीन टॉपर से बात किया, उनका इंटरव्यू सेशन लिया और कुछ लाइक मैंने सोचा कि यार चैनल को डेड तो नहीं होने देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उन टॉपर्स को भी बोल दिया कि लाइक इसको कोई भी सेशन वगैरह मतलब मत देना। आप सभी से ना एक बात और बोलना चाहता हूँ कि कभी कभार जो है वो टीम में गलत खेलने वाला जो प्लेयर होता है ना, जो बहुत ख़राब प्लेयर जो खेलता है, कभी कभार वो प्लेयर भी टीम का जो है वो कोच बन सकता है। मैं ये सारे टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो लाइक टाइम पास करते हैं, हवाबाजी करते हैं, ठीक है। मैं अभी कुछ एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था कि 345 से 640 तक जो है वो मार्क्स कैसे लें एक महीने के अंदर। मैं बोला कि भाई मतलब ये तो हद हो गई, मतलब कि क्या होता है कि अगर ये जो जड़ी बूटी है ना, ये जो एक महीने या दो महीने वाली होती है, अगर ये अगर आप लोगों को मिलने लगी ना, तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बैठे हैं ना, ये एलन आकाश वाले, ठीक है, तो ये जड़ी बूटी खरीद खरीद के ना ये अपने जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको दें। कोई भी टॉपर आपको रियलिटी नहीं बताता, कोई आपको बताता है कि उसने यूट्यूब वगैरह देखे थे या फिर नहीं देखे थे, उतने जब वो डीमोटिवेट हुआ था, कभी हुआ था या फिर नहीं हुआ था, और जब हुआ वो डीमोटिवेट तो क्या उसने यूट्यूब खोल के बैठा गया था आपकी तरह कि भाई जब भी डीमोटिवेट होते हैं कि तो भैया यार किसी दीदी या भैया की जो वीडियोज़ हैं वो देखने लगते हैं। एक बात मैं आप सभी को बताऊँ, जितनी वीडियोज़ आप सभी ने दे टॉपर्स की नहीं देखी होंगी, जितनी वीडियोज़ देखकर मैंने टॉपर्स का वॉच टाइम और व्यूज़ बढ़ाया है, यार तुम्हारा भाई ना इस फील्ड में बहुत बड़ा जो है वो उस्ताद रह चुका है, ठीक है। हर एक दिन जो है वो मैंने टॉपर्स की वीडियो देखी है, ठीक है, टॉपर का मोटिवेशन वाली वीडियो देखी है, स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी है, लास्ट तक नीट के एग्जाम से एक दिन पहले तक देखी है मैंने। यार कितना सही रहे ना कि ये जो एलन आकाश वाले हैं, ठीक है, ये पढ़ाने की बजाय ये जो टॉपर्स जो दो दो महीने वाली जो जड़ी बूटी देते हैं ना कि लाइक दो महीने में 300 से सीधा 670 क्रॉस हो जाएंगे, ये जड़ी बूटी ये पढ़ाने की बजाय ये एलन आकाश वाले ये जड़ी बूटी देने लगे, ठीक है, तो कितना सही रहे ना। अगर ये सब रियल में होता ना, तो ये आकाश और एलन के जो है ये फाउंडेशन जो बैच चल रहे हैं ना, वो अभी चल नहीं रहे होते। अगर आप इस चैनल पर किसी टॉपर की वजह से हैं तो अभी जाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर कोई 100 में से अगर 5 बच्चे अगर मेरी बात को अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर उनको उस चीज़ से अगर बेनिफिट होता है ना, तो मेरे लिए वीडियो बनाना और मेरे लिए चैनल क्रिएट करना, एम्स फाइनर का चैनल क्रिएट करना जो है मेरे लिए सक्सेसफुल होगा। फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको बता दूँ कि यार ये दो महीने वाली जड़ी बूटी ले लो, ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट मत करो और ये कुछ चीज़ें हैं वो फॉलो मत करो और भाई तुम्हारा सिलेक्शन एम्स दिल्ली, एमएमसी वगैरह और केजीएमसी, जिपर वगैरह इन सभी में एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसी मेरे पास कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। अभी आपको एक बात जरूर बुरी लगेगी, आई डोंट केयर, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल के आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं आप सभी से कि यार जो आपके आँखों के ऊपर, ठीक है, जो ये अंधविश्वास और ये जो टॉपर वाली जो पट्टी मतलब जो बंधी हुई है ना, जिसकी वजह से आप रियल की जो मतलब जो दुनिया है वो आप नहीं देख पा रहे हो, तो प्लीज़ उस पट्टी को उतार दीजिए। अदरवाइज़ ऐसा टाइम आएगा अभी आगे जाके कि आप बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट करेंगे चीज़ों को लेकर कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, आप रिग्रेट करेंगे उस चीज़ को लेकर। मतलब मैं सिंपली बताऊँ ना कि जब आदमी को ना सामने वाला बंदा बोलता है ना कि यार ये चीज़ मत कर, ठीक है, तब उसको कोई समझ में आता नहीं है, और जब वो ठोकर खाता है ना उस चीज़ को, और तब उसको समझ आता है कि हाँ यार वो बंदा सही बोल रहा था। आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, अपने एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, अगर किसी ने ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, आज जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये वीडियो अगर किसी ने पहले अगर किसी टॉपर ने या फिर किसी भी इंसान ने, कोई फेलियर इंसान ने भी अगर बना दी होती ना ये वीडियो, तो मुझे ना ये जो 3 साल लगे हैं मुझे एम्स दिल्ली पहुँचने में, ठीक है, तो वो मुझे 3 साल ही लगते हैं, मुझे समझ रहे हो क्यों, क्योंकि मेरे सामने भी ना आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी टॉपर की। मैं आपको ना अभी सिर्फ इतना बोलूँगा कि यार ये दुनिया जो है ना वो आपको ना लाइक आप अगर रास्ते में चलेंगे ना, तो रास्ते में आपको ये दुनिया जो है वो रास्ते में आपको ढक के देगी, ठीक है, आपको गिराने की कोशिश करेगी, तो वही इस टाइम पर जो है वो चल रहा है, ठीक है। आपको क्या है कि आपको यार खुद समझना होगा खुद से कि यार मुझे एक मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि बाद में जो है वो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करोगे इस टाइम को लेकर, क्योंकि इस टाइम पर आप अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हो यार, सब कुछ, आपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ के बैठे हुए यार। जब भी डीमोटिवेशन फील हो रहा है ना, अपने अपने जो पेरेंट्स हैं तुम्हारे, मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनकी आंखों में मोटिवेशन ढूंढने का ट्राई करो, ठीक है। टॉपर्स की वीडियो में मोटिवेशन क्या ढूंढते हो यार, तुम भी ना हद करते हो भाई,